हेलो एवरीवन, मैं सचिन, आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मई 2024 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लगभग टॉप 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उससे रिलेटेड चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एसएससी रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा आरबी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर्स का एंड स्टैटिक जीके का जो ई बुक्स हैं, वो भी आपको अवेलेबल है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। 85 में भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं और उनका नाम है पी श्याम निखिल। क्या नाम है उनका? पी श्याम निखिल। ग्रैंड शतरंज में, चेस में एक उपाधि होती है ग्रैंड मास्टर। क्लियर? जैसे आपने सुना होगा विश्वनाथन आनंद जी का नाम सुना होगा आपने, भारत के फेमस ग्रैंड मास्टर। तो भारत के 85th शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? पी श्याम निखिल बन गए। ये उनका फोटो लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप किसको प्रदान की गई है? साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। बहुत फेमस राइटर हैं इंग्लिश के, आपका नाम आपने सुना होगा इनका, रस्किन बॉन्ड। इसका इनका नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77th कान फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को लास्ट नेफे अवार्ड मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको पता है कान कांस में, जो फ्रांस में होता है, ये किस देश में होता है? फ्रांस। फ्रांस में जो हर साल कान फिल्म फेस्टिवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भारतीय फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर्स। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, आपको याद रखना है। सनफ्लावर जो मूवी है, पूरा उसका जो नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कान फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को लास्ट नेफे प्राइज मिला है। इसके अलावा इसका एक क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूं, जिसमें आपको उसको देखना है कि वेस्ट एक्ट्रेस और वेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में। अगला क्वेश्चन है, किस इंडियन ओरिजिन मूल के खगोल शास्त्री को, एस्ट्रोनॉमर को, द सौ प्राइज 2024 का अवार्ड दिया गया है? उनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। क्या नाम है भैया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी नाम है, ये इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं। अगला, एशियन चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट कौन बन गई हैं? तो आपको पता है उनका नाम क्या है, दीपा कर्माकर नाम है, जो भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बन गई हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जिम्नास्ट में। अगला, सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सिंगापुर आपको पता है जो एशियन कंट्री है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 कंट्रीज में से एक देश है सिंगापुर, वहां के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? लॉरेंस वांग बने हैं। कौन बने हैं? लॉरेंस वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश आईएसए यहां पे क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर रहा है, उसका 99th मेंबर कौन बन गया है? तो यूरोप का देश स्पेन इसका 99वां देश बन गया है। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन था, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ये लिख लेना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? गुरुग्राम में है। और ये कब बना था? ये इंडिया ने और फ्रांस की इनिशिएटिव है, इंडिया और फ्रांस का, हमारे देश का और फ्रांस का इनिशिएटिव है। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना? 2015 में, जहां पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की COP 21 हुई थी। कहां पर? 2015 में पेरिस में हुई थी, जहां पर पेरिस क्लाइमेट डील एडॉप्ट की गई थी, जिसको मैंने आपको डिस्कस किया है। COP की एक पूरी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें मैंने पूरा
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जितनी भी सीओपी हुई है उनके बारे में डिस्कस किया है। तो पेरिस क्लाइमेट डील, पेरिस जलवायु समझौता, इसमें अडॉप्ट किया गया था 2015 में, इस सीओपी 21 में जो पेरिस में फ्रांस में हुई थी, और वहां पर इसी प्लेटफॉर्म पर भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है फाउंड किया था। फाउंडिंग मेंबर कौन है? इंडिया और फ्रांस है, जो दुनिया भर में सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। और कोई पूछे कि ये किसके लिए है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश जहां सबसे ज्यादा पोटेंशियल है किसका, सोलर एनर्जी का, उनके लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग विलिनियर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग नाम की संस्था निकालती है, दुनिया भर में रिचेस्ट लोगों की एक लिस्ट जारी करती है, 15 दुनिया के टॉप 15 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में इंडियन कितने शामिल हैं? दो इंडियंस को शामिल किया गया है, मुकेश अंबानी जी को और अडानी ग्रुप के गौतम अडानी जी को। इंपॉर्टेंट यह है कि रिचेस्ट पर्सन इसके अनुसार कौन है, तो रिचेस्ट पर्सन का नाम है इस ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, वर्नाल्ड अर्नॉल्ट हैं, जो फ्रांस के हैं, ध्यान रखना है। और ये किस कंपनी के मालिक हैं, आपको पता है एलबी, जो एक फैशन डिजाइन, जो फैशन ब्रांड है एलबी, लुई विटॉन नाम आपने सुना होगा, इसके मालिक है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, जो फ्रांसीसी बिजनेसमैन है और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस इंडेक्स के अनुसार। अगला है WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका फुल नेम है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार किस स्टेट में गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो किसमें, उत्तर प्रदेश में, और स्पेशली उत्तर प्रदेश की जो चंबल रिवर है, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल रिवर में और गंगा रिवर में ये पाई जाती है गैंगेटिक डॉल्फिन। और आपको पता है 2009 में गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ध्यान रखना है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन भारत की क्या है, एक राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, याद रखना है। अगला, अच्छा डॉल्फिन के लिए एक और फैक्ट है, बिहार में आई थिंक भागलपुर में, एक बार करेक्ट कर लेना, मुझे जहां तक याद आ रहा है भागलपुर बिहार में गैंगेटिक डॉल्फिन की एकमात्र क्या बनाई गई है, सेंचुरी बनाई गई है वहां पर, गैंगेटिक डॉल्फिन को वहां पे कंजर्वेशन किया जा रहा है, प्रोटेक्शन किया जा रहा है उसके लिए, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चित रॉबर्ट फिको किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो यूरोपियन कंट्री है स्लोवाकिया, कौन सा देश है, स्लोवाकिया, आपने नाम सुना होगा। अगला, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति, ये फिर एक आसियान कंट्री है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आपने सुना होगा, 10 देशों का ग्रुप है, भारत के साउथ ईस्ट में स्थित जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई, ये 10 देश इसमें आते हैं। तो वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, टुलैम बने हैं नए राष्ट्रपति, क्लियर है। यहां से आप देख सकते हो ये म्यांमार है, म्यांमार के बाद ये थाईलैंड है, ये लाओस है, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है ना, हो ची मिन इसकी कैपिटल है, और इसके नीचे आप देखोगे तो थाईलैंड के बाद यहां नीचे क्या होगा, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया होगा, क्लियर है। ये फिलीपींस है, और यहां पे बोर्नियो आइलैंड है साउथ चाइना सी में, वहां पर ब्रुनेई एक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लुसाई ओरम नामक दुर्लभ पौधा, नाम ही है लुसाई नाम से रखा गया, ओरम पौधा, लुसाई ओरम इसका नामकरण किया गया है, आपने सुना होगा ज्योग्राफी में लुसाई हिल्स, सुना होगा ज्योग्राफी में कौन सी हिल्स, लुसाई हिल्स, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में पाई जाती हैं, इन मिजो लुसाई हिल्स को मिजो हिल्स भी कहते हैं, और वहां पर लुसाई ट्राइब पाई जाती है, कौन सी ट्राइब पाई जाती है, लुसाई ट्राइब के नाम पर लुसाई हिल्स इसका नाम पड़ा है। तो कहां खोजा गया है, मिजोरम में। और एक और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मिजोरम में ही जो सॉइल टेक्सचर है उसको मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, मोलेसिस बेसिन।
मोलेसिस बेशिल, स्पेलिंग देख लेना एक बार, करेक्ट कर लेना अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा हो तो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मोलेसिस बेशिल कहां पाया जाता है? मिजोरम में जो अनऑर्गेनाइज्ड सॉइल स्ट्रक्चर है, रॉक स्ट्रक्चर है, उसको मोलेसिस बेशिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश $100 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, और ये दिखाता है इसमें कि दुनिया में किस देश के कितने लोग दूसरे देशों में काम करते हैं और वहां से डॉलर कमा के अपने देश भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस कहा गया है। मैंने पढ़ाया भी है इकोनॉमी में। तो दुनिया का सबसे ज्यादा, पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? इंडिया है। दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा पहली बार भारत ने $100 बिलियन का एक साल में क्या किया है? रेमिटेंस प्राप्त किया है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे इस साल कौन है? मेक्सिको है। और तीसरे नंबर पे कौन है? चाइना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एक पुस्तक बहुत फेमस है, कैरोस पुस्तक है, उसके लेखक हैं जेनी एर्पेनबेक। तो पुस्तक का नाम पूछ सकता है, क्यों है? क्योंकि इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 दिया गया है इस बुक को, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चित बहुत फेमस है AK-203 असॉल्ट राइफल, किसके सहयोग से? ये रसिया के सहयोग से बनाई जा रही है। AK-203 राइफल है और इसका जो इंडस्ट्री है कहां बनाई जा रही है? यूपी में इसकी इंडस्ट्री लगाई गई है। AK-47 आपने सुना होगा, इसके बाद एक AK-203 जो राइफल है, जो भारत की इंडियन आर्मी में इंडक्ट भी करा दी गई है, बहुत लार्ज स्केल पे हम रसिया के साथ, इंडिया रसिया का ज्वाइंट वेंचर है जो यूपी में इसका प्रोडक्शन कर रहा है। इसके अलावा जैसे और आपने सुना होगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल भी हम इंडिया रसिया ज्वाइंट वेंचर है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है, इसको बनाते हैं। दो नदियों के नाम पर है, ब्रह्मपुत्रा में BRAH ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया की रिवर, और रसिया की मोस्कवा रिवर के नाम पर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने जीता। ये इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है भैया? फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना है। किस प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? तो भारत के फेमस फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री जी ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रहीसी, रहीसी नाम है इनका पूरा, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? आपको पता होगा अजरबैजान एक कंट्री है सेंट्रल एशिया का, वहां से ये आ रहे थे, ईरान के राष्ट्रपति थे, और इनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हो गई? मौत हो गई। अगला, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 किसके द्वारा निकाला जाता है? ध्यान रखना, जो ज्यादातर मोस्टली कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो भी है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका हेड को जो दावोस स्थित एक संस्था है स्विट्जरलैंड के, एक प्रकार से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, थिंक टैंक की तरह काम करता है दुनिया भर के लिए ये, और इसमें प्राइवेट संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का, सरकारों का, साइंटिस्ट का, बिजनेसमैन का, सबके सहयोग से बनी हुई संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दावोस में हर साल इसकी एक मीटिंग होती है स्विट्जरलैंड में, तो ये निकालता है। आपका काम ये है कि इस इंडेक्स में पहले रैंक पे कौन है और इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आपको पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? आपको पता है KKR ने जीता है। किसको? सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर KKR ने ये खिताब जीता है। अगला, GTRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2024 में लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ट्रेड पार्टनर कौन सा? फॉरेन ट्रेड, किस देश के साथ हम सबसे ज्यादा करते हैं फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार, तो वो कौन बन गया? चाइना। इंडिया के टॉप थ्री लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स की बात करूं तो चाइना, चाइना के बाद अमेरिका और फिर UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये तीन देश हैं। चाइना और अमेरिका में
ट्रेड में के साथ में बहुत बड़ा क्लोज कंपटीशन है, कभी अमेरिका आगे निकल जाता है इंडिया के साथ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर में, कभी चाइना आगे निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है, जिनका नाम है ज्योति अत्रे, मध्य प्रदेश की रहने वाली ये महिला है, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई। एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है, तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेन, दुनिया की यंगेस्ट माउंटेनियर है काम्या कार्तिकेन, ये याद रखना है इस बार। और आपको पता है भारत की पहली महिला माउंटेनियर जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उनका नाम था बछेंद्री पॉल, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो इस समय चर्चा में है बहुत, एवरेस्ट द जर्नी ऑफ माई जर्नी टू द टॉप। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, जिसमें नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, ये ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया है। और दूसरा ये किसका पार्ट है, तो ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है, याद रखें हिमालय में जो ग्रेट हिमालय महान हिमालय है उसका ये पार्ट है, बृहत हिमालय भी कहते हैं। अगला, थॉमस कप और उबेर कप 2024 किस खेल से, ये कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस विभागाध्यक्ष को डिपार्टमेंट के हेड को एक वर्ष का कार्यकाल दिया गया, उनका नाम क्या है, डॉक्टर समीर वी कामत हैं, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है, तो एक बार कंफर्म करना, जहां तक मुझे है डीआरडीओ के ये चीफ हैं, प्रमुख हैं, डीआरडीओ के प्रमुख साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, जो भारत में मिसाइल्स और अदर इंपॉर्टेंट वेपन्स बनाती है भारत की सेनाओं के लिए। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी नदी की एक नई शाखा, सबसे पहले बात तो आपको ज्योग्राफी में पता है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाइल रिवर जो है अफ्रीका में, नील रिवर भी कहते हैं जिसे, वो सबसे लंबी नदी है, क्लियर है। और आपको पता है ब्लू नील और व्हाइट नील मिलके क्या बनाती है, नाइल रिवर बनाती है, उसकी एक नई शाखा खोजी गई, नई ब्रांच, अभी आपने ब्लू नील और व्हाइट नील सुनी थी, ये ट्रिब्यूटरी थी, कौन सी, एहरामत ब्रांच, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अफ्रीका की, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, चांगी 6 मिशन, मैंने जब चंद्रयान 3 गया तो मैंने पूरी एक वीडियो इस पे बनाई थी, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, भारत के स्पेस मिशन के बारे में, उस समय मैंने डिस्कस किया था चांग ई मिशन, तो मैंने बताया था दुनिया के जो लूनर मिशन हैं, लूनर मतलब चंद्रमा पे गए जो मिशन है, मून पे जो मिशन गए हैं, उसमें अमेरिका का जो मिशन है उसका नाम अपोलो से है, अपोलो सीरीज का मिशन है, रसिया का लूना सीरीज है, इंडिया का चंद्रयान सीरीज है, चाइना का चांगी सीरीज है, ये जो अलग अलग सीरीज है यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अपोलो किसका है, अमेरिका का है, लूना रसिया का है, चंद्रयान भारत का है, और चांगी चाइना का है, तो चांगी जो है लूनर मिशन है किसका, चाइना का। हाल ही में चर्चा में रहा तीन लिपुलेख, तीन स्थान चर्चा में, लिंपिया धुरा और काला पानी किन दो देशों के बीच विवादित हैं, ये इंडिया और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र हैं, भारत के हैं, हमारे देश के हैं ये, इनपे नेपाल जो है वो विवाद खड़ा करता है, ये नेपाल जो है, अभी नेपाल के हुआ क्या है, नेपाल ने अपनी जो करेंसी जारी की है, नोट जारी किया है, उस पे इन क्षेत्रों को जो हमारे हैं इनको कहां दिखाया है, उसने अपने नक्शे में दिखाया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया। ये तीनों क्षेत्र कहां पर हैं, उत्तराखंड में हैं, कहां पर है भैया, उत्तराखंड में ये तीनों क्षेत्र हैं, याद रखना है, जो हमारा है और इस पे विवाद करता है कौन, नेपाल, उसने अपनी 100, जहां तक मुझे याद है 100 रुपए की करेंसी पर इन तीनों क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखा दिया है, जिससे विवाद हो। किस देश ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 जीत लिया है, जापान ने जीत लिया है, जो मलेशिया में होता है, जहां तक मुझे याद है मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ, ये हॉकी से संबंधित, जापान ने इसको जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है, तो एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये संस्था है जो जारी करती है क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्लियर। क्वेश्चन पूछेगा कि पहला रैंक क्या है, नॉर्वे पहले रैंक पे है, और इंडिया का रैंक क्या है, 159th रैंक है,
इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 159 है, और नॉर्वे क्या है, पहले नंबर पर। प्रेस की फ्रीडम को दिखाता है, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करता है इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे शुष्क, ड्राइएस्ट, सबसे डेजर्ट कहां पर है, तो वो अटकामा डेजर्ट है, जिसका ज्यादातर पोर्शन किसमें है, चिली में है। चिली कहां का है, साउथ अमेरिका का एक देश है। चिली, जहां तक मुझे याद है, ई बनेगा, देख लेना एक बार स्पेलिंग में। तो साउथ अमेरिका का एक देश है चिली, और वहां पर क्या है, ये अटकामा डेजर्ट है। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग में ये पढ़ाया, ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे शुष्क रेगिस्तान है, और यहीं से मैंने आपको ज्योग्राफी में ये भी पढ़ाया, यहीं से जनरेट होता है पेरुबियन करंट, जो अलिनो और लालिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू रेजिडेंसी वीजा किस देश से संबंधित है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जारी किया है, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित है, ये वीजा किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है, ब्लू रेजिडेंसी वीजा, और स्पेशली वाटर कंजर्वेशन के लिए, ओशियन जो कंजर्वेशन के लिए, समुद्री संरक्षण के लिए। मेक्सिको जो नॉर्थ अमेरिका का देश है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है, क्लाउडिया सैनबॉन चुनी गई है। वर्ल्ड टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी, उनका नाम है मनिका बत्रा। नेक्स्ट, बहुत ही फेमस लोकप्रिय सागा दावा त्योहार है, फेस्टिवल है, वो किस राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन पूछेगा। सिक्किम, सिक्किम में अभी नई सरकार बनी है, और वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, प्रेम सिंह तवांग नाम है, प्रेम सिंह तवांग वहां के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, प्रेम सिंह तवांग। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, करीना कपूर को बनाया गया है। यूनिसेफ वो संस्था जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन में, बाल संरक्षण के लिए काम करने वाली एक संस्था है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। बहुत ही फेमस इस समय चर्चा में था आर्टिकल 329B किससे संबंधित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि भारत में चुनाव चल रहे थे, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वोटों का आंकड़ा, वोटिंग टर्नआउट, हर फेज के बाद कितना वोट परसेंटेज पड़ा, इसका जो आंकड़ा जारी करता है, डेटा जारी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको लेके कई सारी जो है याचिकाएं, PILs फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ों को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया में इंटरवीन करने के लिए बोला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329B का हवाला देते हुए बोला कि संवैधानिक रूप से चुनाव के टाइम पे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की किसी भी प्रोसेस में इंटरवीन नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल बहुत चर्चा में है, आर्टिकल 329B, जो किससे संबंधित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली से, एक्शन से संबंधित है, उनके जो है कामों से संबंधित है, और इलेक्शन के दौरान कोई भी उनकी कार्य प्रणाली में, चुनाव प्रणाली में इंटरवीन नहीं कर सकता, इसके लिए वो प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 329B। रिसेंटली बिहार के पूर्व एक्स डिप्टी CM जिनका निधन हो गया, सुना होगा आपने, BJP के फेमस लीडर बिहार के सुशील कुमार मोदी। हाल ही में एक चक्रवात आया बहुत फेमस, आपको पता होगा, बे ऑफ बंगाल में चक्रवात बेमल, वो किस क्षेत्र, जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव चल रहे थे भारत में और लोकसभा के, तब ये चक्रवात आया था, ईस्ट कोस्ट पर बे ऑफ बंगाल में आया था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है, ओमान ने रखा है, किसने रखा है, ओमान ने रखा है। हाल ही में चर्चा में रही सक्सकाम घाटी, सक्सकाम वैली किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में, किसमें, लद्दाख में है। ये आपको दिख रहा होगा, ये सक्सकाम वैली है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है ये POK है, ये हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, जिसको लेंगे हम जल्दी। और ये जो सक्सकाम वैली है, इस हिस्से को पाकिस्तान ने किसको दे रखा है, चाइना को दे रखा है, और चाइना यहां से एक प्रोजेक्ट निकाल रहा है, निकाला हुआ है उसने, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे POK से गुजरता है, और हमारे हिस्से पे कोई भी चाइना या कोई भी दूसरा देश हमारे हिस्से से, हमारी बिना परमिशन के कुछ भी
कोई प्रोजेक्ट निकाल नहीं सकता है। ये अक्साई चिन्ह है, ये वाला पार्ट जिसको 1962 के युद्ध में चाइना ने कब्जा करके रखा है, ये भी हमारा है, इसको भी हमें वापस लेना है, अक्साई चिन्ह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सप्ताह में माउंट एवरेस्ट पर, जो नेपाल में मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक और है माउंट लोत्से जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, बिल्कुल चढ़ने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना किसने बनाया है, सत्यदीप गुप्ता ने एक सप्ताह में दोनों को टच किया, मतलब दोनों पे चढ़ गए वो। हाल ही में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका नाम है तामजा कहां खोजा गया है, डीप ओशियन में डीप होल है ये, मेक्सिको में युकाटन पेनिनसुला। आपको मैं दिखाता हूं युकाटन पेनिनसुला, ये मैप आपको, ये ऊपर अमेरिका है, इधर मेक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये कैरेबियन सी है, कहां पर अटलांटिक ओशियन की बात कर रहा हूं मैं, मैप में आपको पता है, ज्योग्राफी मैंने आपको डिस्कस भी किया है। और इधर क्यूबा है एक देश, जमैका है, क्यूबा है, सामने मेक्सिको है, और ये वाला जो पेनिनसुला है ये युकाटन पेनिनसुला बोला जाता है, और ये जो स्ट्रीम है जो गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ती है इसको युकाटन चैनल कहते हैं। तो यहां की एक बात हो रही है, यहां पे बहुत फेमस एक ब्लू होल खोजा गया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में बहुत फेमस है एक मिसाइल जिसका नाम रामपाज नहीं है, हिंदी में उसे कहते हैं रैमपेज, रैमपेज मिसाइल जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक, चर्चा में रही है मिसाइल, सुपरसोनिक है और ये एयर टू सरफेस है, हवा से फाइटर एयरक्राफ्ट जो है जमीन पे इससे हमला करते हैं, सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब जिसकी स्पीड एक मैक नंबर से ज्यादा है, एक से पांच के बीच की है, और पांच से ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक होती है, आपको पता है। ये किसने बनाई है? इसराइल ने बनाई है, इसराइल की मिसाइल है जिसको इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में इसको इंडक्ट किया गया है। ये चर्चा में तब आई थी जब इसराइल ने ईरान पर इसी मिसाइल से हमला किया था, जब ईरान ने बहुत सारे ड्रोन अटैक किए थे किस पर, इसराइल पे, अभी रिसेंटली कुछ मंथ जो है लास्ट मंथ है। हाल ही में क्वेश्चन बहुत चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ये स्कीम कौन से बजट में लॉन्च की गई थी? ये स्कीम बजट 2017-18 में लॉन्च की गई थी, और ये लागू कब से हुई? 1 जनवरी 2018 से इसको लागू किया गया था। इसका पर्पस था जो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिलता है उसमें ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए थे, किसके? 1000 रुपए के, 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 10,000 के, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये 5 प्रकार के बॉन्ड जारी किए जाते थे। बॉन्ड जारी करने वाली संस्था का नाम था SBI। SBI की कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस में SBI इन बॉन्ड्स को जारी करता था। इनको सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 8, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है। इसी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच में RTI आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना, RTI का वायलेशन मानते हुए, राइट टू इंफॉर्मेशन का, सूचना के अधिकार का वायलेशन मानते हुए इसको क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। इसी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच में RTI भी आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी आता है, सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा प्रेस की फ्रीडम भी इसी में आता है, मीडिया की स्वतंत्रता भी जो एक फंडामेंटल राइट है वो भी इसी में आता है। तो मैंने ये आपको 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताई। नासा का शुक्र ग्रह पर जो कौन सा मिशन भेजा गया है उसका नाम है मैगलन मिशन भेजा गया है, और इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है वो भी शुक्रयान भेजेगी, जैसे चंद्रमा पे गया चंद्रयान है, स्पेस में जा रहा है पहली बार हमारा ह्यूमन स्पेस मिशन, उसका नाम गगनयान है, इसी साल जाएगा 25 या 26 में जाएगा इसरो का शुक्रयान, जो वीनस पर भारत का, शुक्र पर भारत का पहला मिशन होगा, याद रखना है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जो भारत में वेपन्स बनाता है, स्पेशली मिसाइल्स बनाता है, उसने एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल, एंटी सबमरीन, जो दुश्मन की सबमरीन को खत्म करेगी, एक मिसाइल डेवलप की है जिसका नाम क्या है? स्मार्ट मिसाइल है। क्या नाम है भैया इसका? स्मार्ट मिसाइल,
मिसाइल का नाम है। तो क्वेश्चन पूछेगा स्मार्ट मिसाइल क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट मिसाइल का फुल फॉर्म अगर लिखना है तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। सुपरसोनिक मैं बता चुका हूं, जिसका स्पीड मैक नंबर एक से ज्यादा होता है, मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। वो मिसाइल जो वाटर में ट्रेवल करती है उसको टॉर्पीडो कहते हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नीलगिरी ताहर, जो नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है। नीलगिरी हिल्स आपने ज्योग्राफी में पढ़ी हुई है, जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और स्पेशली आप कह सकते हो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं वो नीलगिरी हिल्स है। और नीलगिरी हिल्स ऊपर कर्नाटक के एरिया में फैली हुई है, नीचे केरला के एरिया में और तमिलनाडु, इन तीन स्टेट्स में, तीनों के ट्राई जंक्शन पर स्थित ये हिल्स है नीलगिरी हिल्स। और इस नीलगिरी हिल्स में जो पाया जाता है फेमस एनिमल नीलगिरी ताहर, और ये एनिमल स्टेट एनिमल है किसका, तमिलनाडु का। क्लियर। हाल ही में किस भारतीय को विटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया, ये इसको ध्यान रखना है, ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, है ना, एनवायरमेंट के फील्ड में दिया जाने वाला ऑस्कर कहते हैं इसको, ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। कौन से अवार्ड को, विटले गोल्ड अवार्ड, ये किसे दिया गया है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में काम करने के लिए उनको दिया गया। किस देश ने विश्व का पहला कौन सा एआई राजनयिक नियुक्त किया है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने जो है डिप्लोमेट, मतलब उन्होंने अपना एक स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया है, स्पोक्स पर्सन फॉरेन जो है, एक डिप्लोमेट है, जैसे विदेश मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो स्पोक्स पर्सन होते हैं ना, प्रवक्ता होते हैं जो भारत सरकार का पक्ष रखते हैं भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ऐसे ही यूक्रेन के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, उन्होंने अपना एक स्पोक्स पर्सन कौन रखा है, पहला दुनिया का डिप्लोमेट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, मतलब रोबोट है। एआई आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आपने सुना होगा, एक एआई टूल है चैट जीपीटी, जो ओपन एआई नाम की अमेरिकी कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एडॉप्ट किया है। एक एआई टूल आपने सुना होगा वार्ड, जो गूगल ने बनाया है। और भारत का पहला एआई टूल जो ओला ने बनाया है, नाम है उसका कृतुम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में बॉम्बी बकेट ऑपरेशन, कौन सा बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किसने चलाया, तो वो इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था, जो उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही थी उस आग को रोकने के लिए। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फॉरेस्ट फायर से संबंधित है, वनाग्नि से संबंधित है। तो उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग रही थी, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया कि लोग जाएं जंगलों से वो पाइन लीफ, जो पाइन के पेड़ है वहां पर, उनकी पत्तियां बटोर के लाएं, क्योंकि उन्हीं पत्तियों से आग लगने के चांस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने ये अभियान चलाया। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा क्रिस एंड भूमि क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर्स हैं, डीडी किसान जो चैनल है, दूरदर्शन का जो चैनल है, किसानों को समर्पित जो एग्रीकल्चर जो है फील्ड से समर्पित जो चैनल है डीडी किसान, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर्स हैं, रोबोट एंकर्स कह सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, नौसेना के इंडियन नेवी के 26वें चीफ किसे अपॉइंट किया गया है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को, डीके त्रिपाठी जी को किया गया है। आपको पता है भारत सरकार के इंपॉर्टेंट पदों पर जो अपॉइंटमेंट करने वाली कमेटी है वो उसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा भारत सरकार की 8 कैबिनेट कमेटीज हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, जिसमें 6 के हेड प्राइम मिनिस्टर हैं,
एक के हेड राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं और एक के हेड अमित शाह जी हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन कहते हैं उसको, उसके हेड अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर जो और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी है। किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई यूएई का ये है, जिसकी सबसे ज्यादा क्षमता है दुनिया में कंज्यूमर या फिर ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में सबसे ज्यादा क्षमता वाला ये। हाल ही में किस राज्य में वेस्ट नाइल फीवर, एक वायरस है वेस्ट नाइल फीवर, उसके मामले देखे गए हैं? तो वो कौन सा देश, कौन सा राज्य है? केरला में ये वेस्ट नाइल फीवर के वायरस देखे गए हैं। हाल ही में किस सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम शुरू किया है? मणिपुर गवर्नमेंट ने किया है स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम शुरू किया। भारत का पहला संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, संविधान उद्यान भारतीय सेना द्वारा कहां पर लगाया, स्थापित किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया है। हाल ही में मेघालय की पहली महिला डीजीपी, फर्स्ट महिला फीमेल डीजीपी अपॉइंट की गई है, आईपीएस इदाशीशा नौग्रांग, ये पहली महिला डीजीपी है। नेक्स्ट, मेघालय आपको पता है कॉनराड संगमा वहां के सीएम है, नॉर्थ ईस्ट का आठ राज्यों में एक, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों को में सात को सेवन सिस्टर्स कहते हैं, ये मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया है आपको, सेवन सिस्टर्स, और एक है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट सिक्किम, उसको वन ब्रदर कहते हैं, सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनता है, पूर्वोत्तर भारत बनता है, तो मेघालय सेवन सिस्टर्स का पार्ट है। और मेघालय में आपने सुना होगा फेमस ट्राइब्स हैं गारो खासी जयंतिया, और वहां पे फेमस हिल्स भी हैं गारो खासी जयंतिया हिल्स, और इन्हीं में से एक हिल्स में वहां भारत का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होने वाला, मतलब सबसे ज्यादा वेटेस्ट जो प्लेस है, सबसे ज्यादा आर्द्र जो स्थान है चेरापूंजी माशिन राम, वो वहीं जो है इसी गारो खासी जयंतिया हिल्स में जो है, जो तीन हिल्स हैं उनमें से एक हिल्स में मेघालय में। अपने सभी ग्लेशियर्स खोने वाला विश्व का पहला, मतलब सारे ग्लेशियर्स क्या हो गए, टेम्परेचर बढ़ने से, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग होने से सारे मेल्ट हो गए हैं, वो कौन सा देश बन गया है? वेनेजुएला में ग्लेशियर्स लगभग खत्म हो गए हैं, सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं, तो वो देश कौन सा है? साउथ अमेरिका का देश वेनेजुएला। नेशाली में चर्चा में रहा फ्लोट क्या है, फ्लोट क्या है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक इसकी फुल फॉर्म है, और ये नासा का पहला लूनर रेलवे स्टेशन है, नासा का पहला चांद पर जो रेलवे स्टेशन भेज रहा है, बना रहा है, वो पहला लूनर रेलवे स्टेशन नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, तो उसका ये फ्लोट जो है चर्चा में रहा, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री, वेनेजुएला मैंने पहले बता दिया। अगला क्वेश्चन है भीष्म क्यूब क्या है, चर्चा में रहा भीष्म इंडिजीनियस स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है जो इंडियन एयरफोर्स ने तैयार किया है, भारत का पहला, ये लिख लेना, इंडिया फर्स्ट मोबाइल हॉस्पिटल है जो इंडियन एयरफोर्स ने तैयार किया है, जिसका नाम भीष्म क्यूब है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी संविदा नौकरियों में महिलाओं को 33%, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां होती हैं उनमें महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया है? कर्नाटका गवर्नमेंट, और यहां पर यह करेक्ट करना, ये कौन सी गवर्नमेंट है? कर्नाटका, कर्नाटका गवर्नमेंट आंसर, और सीएम का नाम है वहां पर जो है सिद्धारमैया जी, सिद्धारमैया जी वहां के सीएम है, कांग्रेस की सरकार है। तो ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट नौकरियां होती हैं उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला पहला राज्य, ये भारत का पहला स्टेट है, ध्यान रखना, और ये भारत का पहला मोबाइल हॉस्पिटल है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप है, जैसे एसोचैम है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ऐसे CII, ये तीनों भारतीय इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेशर ग्रुप्स हैं। इस तो CII का नया अध्यक्ष संजीव पुरी जी को बनाया गया है। अगला, दुनिया का पहला 6G इंटरनेट डिवाइस किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है?
जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला 6G डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अनमिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? मेजर राधिका सेन को दिया गया है। क्लियर है, अन नहीं लिखा हुआ है यहां पर, करेक्ट करना, ये थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन है, ये अन नहीं है, यूएन है। यूनाइटेड नेशन में जो पीस कीपिंग फोर्सेस काम करती हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस जो शांति सेनाएं कहते हैं इसे, हर देश जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, मेंबर है, वो अपने अपने हैसियत के अनुसार अपने सैनिक वहां भेजता है, और पीस कीपिंग फोर्सेज में सबसे ज्यादा सैनिकों को भेजने वाला, कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला हमारा देश है, इंडिया है, जो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, ध्यान रखना, इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेज में। तो यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 का भारत की मेजर राधिका सेन को दिया है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग वेज डिफेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैंड एयरक्राफ्ट, मतलब स्वदेशी रूप से एक अनमैंड एयरक्राफ्ट, मतलब एक यूएवी है, अनमैंड एयर व्हीकल है, जिसको आप ड्रोन भी कह सकते हो, लेकिन ये करेगा क्या, ये दुश्मन पर बॉम्बार्डिंग कर सकता है, तो ये बॉम्बर अनमैंड एयरक्राफ्ट है, उसका क्या नाम है, FWD-200B, इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मर्यादा क्या है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ड्रग एब्यूज को, और केदारनाथ जो यात्री जाते हैं, क्या केदारनाथ यात्रा पे 2024 में जो गए हैं, उनमें यूके पुलिस के द्वारा रोकने के लिए, ड्रग एब्यूज को रोकने के लिए, और जो खराब बिहेवियर होता है जो है उसको रोकने के लिए, यात्रियों से उनकी यात्रा में सुरक्षा, एक प्रकार से सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए, यात्रियों को सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए, उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये बहुत अच्छा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मर्यादा। हाल ही में किस एजेंसी ने अपना पहला मुख्य AI अधिकारी नियुक्त किया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीफ AI ऑफिसर अपॉइंट किया है, जो AI के फील्ड में जो है अकाउंटेबल होगा, नासा ने किया है। नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, रशिया की है रोसकॉसमोस। यूनाइटेड नेशन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव, जो तीन भारतीय महिलाओं को भेजा गया है भारत के प्रतिनिधि के रूप में, वो महिलाएं जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो लोकल गवर्नेंस पे, स्थानीय स्वशासन पर जो यूनाइटेड नेशन में एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसमें हर देश से जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल गवर्नेंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब पंचायती राज व्यवस्था, अर्बन लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भेजा जाना था। तो भारत की तरफ से तीन महिला रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया, जो अपने अपने गांव, अपनी अपनी पंचायत की चेयरपर्सन है, प्रधान जिसको कहते हैं, नीरू यादव, सुप्रिया दास गुप्ता और कुनुकु हेमा कुमारी, इनका क्वेश्चन पूछ सकता है इनके नाम से। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ध्यान रखना, इंडिया इज फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम क्या है, रुद्रम है, DRDO द्वारा विकसित की गई है। DRDO किसके अंतर्गत काम करता है, बहुत बार आ चुका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये करेगी क्या, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, दुश्मन के रडार सिस्टम है, दुश्मन का लेजर सिस्टम, रडार से, लेजर के रूप से काम, लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, और ये दुश्मन का जो रडार सिस्टम है, उन सब ऐसे सिस्टम्स को क्या करेगी, खत्म करेगी, उनको तबाह करेगी, नाम ये एंटी रेडिएशन मिसाइल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हाल ही चर्चित तर्कस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तर्कस किन दो देशों के बीच है, इंडिया और USA की मिलिट्री के बीच हुई है तर्कस एक्सरसाइज। किस राज्य की ब्रू ट्राइब ने पहली बार लोकसभा 2024 में पहली बार वोट किया है, त्रिपुरा, ध्यान रखना, त्रिपुरा में भी पाई जाती है और मिजोरम में भी पाई जाती है ट्राइब। बेसिकली पहले मिजोरम की ट्राइब थी, लेकिन मिजोरम में चूंकि निर्जातीय संघर्ष हुआ, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वहां से शिफ्ट होके बहुत सारे लोग ब्रू ट्राइब के कहां आ गए, त्रिपुरा में आ गए। तो मिजोरम में भी पाई जाती है और त्रिपुरा में भी ब्रू ट्राइब पाई जाती है। क्लियर है भाई। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना है, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, फेमस वकील, राज्यसभा सांसद भी हैं, कपिल सिब्बल, जो पहले कांग्रेस के नेता थे, अब तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है,
अब कांग्रेस के लीडर नहीं है लेकिन पहले थे ही, और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहे, मिनिस्टर भी रहे। हाल ही में नासा ने ध्रुवीय पोलर रीजन्स के स्टडी करने के लिए एक मिशन भेजा है, उस मिशन का क्या नाम है, उसका नाम मिशन का अमेरिका की एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया प्रिफायर मिशन, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, जो पोलर रीजन्स की स्टडी करेगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला अंतरिक्ष रॉकेट, 3D प्रिंटेड इंजन जो रॉकेट होगा, जो स्पेस रॉकेट होगा, उसका इंजन किससे बनाया, 3D प्रिंटेड है, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, IIT मद्रास का एक जो है स्टार्टअप है, ये क्या है, IIT मद्रास का स्टार्टअप है, स्पेस के फील्ड में काम करता है, और उसने क्या बनाया है, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जीआई टैग आपको पता है, जीआई टैग एक आर्टिफिशियल जो है एक IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वैसा ही एक जीआई टैग है, जगह नाम है क्या, कच्छ अजरक, जो एक क्राफ्ट है, एक क्या है, टेक्सटाइल क्राफ्ट है, एक बुनाई है, एक बुनाई और कढ़ाई सिलाई से संबंधित टेक्सटाइल क्राफ्ट है, लोकल क्राफ्ट है, कला है, कहां की है, कच्छ, आपको पता है कहां पे, रन ऑफ कच्छ, गुजरात। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न PSU है सरकार का, पहला ग्रीन हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है, एक स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है, कहां पे शुरू किया गया है, विजयपुर मध्य प्रदेश में पहला प्लांट लगाया गया। हाल ही में किस पोर्ट को भारत के दूसरे ग्लोबल पोर्ट के रूप में जिम्मेदारी संभाली गई है, दी गई है, तो एक कंपनी है भारत सरकार की, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जिसके रिसेंटली नए मिनिस्टर बने हैं सर्वानंद सोनोवाल जी, जो पहले भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जहाजरानी और बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय है वो मंत्रालय भारत सरकार का। तो भारत सरकार दो पोर्ट सिस्टम है विदेशों में संभाल रही है, सेकंड ग्लोबल पोर्ट कौन सा बन गया, सितवे पोर्ट म्यांमार में, इससे पहले चाबहार पोर्ट जो है ईरान में, इसको संभाल रही है भारत सरकार। तो ये दो पोर्ट्स हैं, और रिसेंटली एक प्रपोजल आया है कि एक और पोर्ट है, अभी उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उस पोर्ट का नाम लिख दे रहा हूं, मंगला पोर्ट, मंगला पोर्ट बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के दो फेमस पोर्ट है, एक मंगला और एक चट्टगांव, चट्टोग्राम भी कहते हैं, मंगला पोर्ट के बारे में भी बातचीत चल रही है बांग्लादेश से, तो ऐसा होगा तो वो तीसरा पोर्ट बन जाएगा मंगला पोर्ट। अगला, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, दीप्ति जीवन जी ने जीता है। T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया है, स्पिनर यजुवेंद्र चहल बन गए। माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा 29 बार चढ़ने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, कामी रीटा ने, जो नेपाल के हैं, और नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट है, ग्रेट हिमालय में है, सागर माता कहते हैं उसमें वहां पर। अगला क्वेश्चन है, द प्रभा पोर्टल इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI ये किससे संबंधित है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन GSEC, GSEC मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया है सिक्योरिटीज दो टाइप की होती हैं, एक शेयर और एक डेट सिक्योरिटीज, तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है चाहे वो शेयर सिक्योरिटी हो या डेट सिक्योरिटी हो, उनको GSEC कहते हैं शॉर्ट में। तो एक प्रकार से काइंड ऑफ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टाइप, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिपोजिटरी टाइप की है ये जो है प्रभा पोर्टल। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कहां पर हो रहा है, अमेरिका, USA है, और USA के अलावा कहां, कैरेबियन कंट्रीज में हो रहा है, वेस्ट इंडीज और कैरेबियन कंट्रीज में ये हो रहा है। इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह हैं, क्रिस गेल हैं, और शाहिद अफरीदी और उसैन बोल्ट, ये चार ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके। हाल ही में किस भारतीय पहलवान को नाडा के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी पूरे वर्ल्ड में काम करती है वाडा डोपिंग को रोकने के लिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इंडिया में भारत की सरकार की स्पेशल एजेंसी नाडा, उन्होंने
सस्पेंड कर दिया है 2 साल के लिए। बजरंग पूनिया जो फेमस रेसलर है, आपने नाम सुना होगा इनका। नेक्स्ट, हाल ही में लोकप्रिय कुंभकम महोत्सव कुंठा डावर मंदिर महोत्सव, कुंठ डावर कुंभकम महोत्सव, कुंभकम फेस्टिवल या कुठान डावर टेंपल फेस्टिवल किस स्टेट से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित। अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल में वेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? उनका नाम है अनसुईया सेनगुप्ता, फिल्म है शेमलेस। और कांस फिल्म, कांस कहां पे है? फ्रांस, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड देश है जहां पर एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे मैसिव लैंडस्लाइड हुआ और वहां पर पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया और 670 लोग मारे गए उसमें, और वो जो लैंडस्लाइड हुआ उस माउंटेन का नाम है माउंट मैंगोलो, माउंट मैंगोलो। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है माउंट मैंगोलो कहां है और ये घटना कहां घटी है? पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया इसके जस्ट ऊपर एक देश है पापुआ न्यू गिनी। तो यहां पे ये हुआ है तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये इस मई मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी जिसमें हमने लगभग 89 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने बहुत सारी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो खुद में एक क्वेश्चन है उनको मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी और यहां से मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में इस वीडियो से बनेंगे। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा आरबी का जो टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये जो वेबसाइट है उस पर आरबी की 1000 ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हर किसी के लिए आप जाके इसका फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारा ओवरऑल तैयारी के लिए आपको हमारा एक ऑफिसर्स बैच चल रहा है। इस ऑफिसर्स बैच में ऑल सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल हैं आपके लिए, मैथ, जीएस, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। तो इसके लिए ओवरऑल एक बैच चल रहा है हमारा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिसर्स बैच। इसके अलावा अलग अलग अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए मैथ का अलग बैच है, टारगेटेड बैच भी है, द्रोणाचार्य बैच मैथ का। इसके अलावा इंग्लिश स्पेशल है 0 to 0 बैच। इसके अलावा रीजनिंग के लिए भी एक अलग से बैच आपको अवेलेबल है। तो ये हमारा आज की वीडियो में ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी चीजें। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।